इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। आरेश का फोन आया था, कह रहा था कि आज ससुराल ही रुकेगा। चलेंगे तो अच्छा है, इससे उनका आगे का इरादा पता चल जाएगा। असमीर का एक्सीडेंट हो गया, परसों उसकी शादी थी। अभी आप ऐसे रोए मत, असमीर भाई ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी की आरिफ अंकल से बात हुई। शुक्र है अल्लाह का। आप ही मैं आज अजमेर भाई से मिला था। क्यों? तुम क्यों मिले उससे? उन्हें उस रात की हकीकत जाननी थी। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है ना? अज़मी, तुमने क्यों बताया? हाँ, आप ही मैं क्या करता? आपका जब कोई कसूर नहीं है तो सिर्फ तकलीफ आप क्यों उठाएं? उनको भी तो मालूम हो कि उनकी अपनी सगी बहन। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से ठीक हो जाएगा? आज़मी, मेरे नुकसान की तलाफी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो। आप भी इंसान को इंसान के मर्तबे तक रहना चाहिए। जब वो फरिश्ता बनने की कोशिश करता है तो उसके आसपास के लोग इब्लीस बन जाते हैं, जैसे कि वरदा भाभी और असमीर भाई। शुक्र है असमीर, तुम्हें होश आ गया। ये तो तुमने जान ही निकाल दी थी बेटा। अजमेर, बड़ा जल्दी से ठीक हो जाता। बाबा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ रश मत करें, पेशेंट को रेस्ट करने दें। इन्हें अभी स्टिचेस आए हैं। जी अजमेर, प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। माँ, अभी असमीर को ना रेस्ट करने दो। कल से तुम्हारी शादी के फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं। जब तक वो आराम नहीं करेगा, फंक्शन कैसे अटेंड करेगा? उसको आराम करने दो, जल्दी ठीक होना बेटा। बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। चलो। चलो बेटा, तुम आराम करो। शाबाश। मोहब्बत के नसीब में वस्ल नहीं होता। कुछ मोहब्बतें हिजर की ज़मीन पर ही पनपती हैं और शायद मेरी तुम्हारी मोहब्बत भी। अजमीर, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? फिर क्यों मेरा एतबार ना कर सके तुम? कराई उससे निकाह तुम? क्योंकि ऐसी घटिया हरकत होके आया था मैं शहर की यहाँ से। नहीं था वो अपने घर में। कर लिया इसने उससे निकाह। ये हम सबको धोखा दे रही है। वो मोहब्बत कितनी खूबसूरत थी जो खामोश थी, मुसलसल थी। हमारी मोहब्बत के इजहार को हमारे अपने ही की नजर खा गई और तुमसे मोहब्बत की सख्त तरीन सजा बाबा की जुदाई। मैंने अपने बाबा को भी खो दिया। हुदा तो जैसे खाली दिल खाली जिस्म बनकर रह गई है। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है अज़मीर, मैंने कभी तुम्हारे नाम की आज तक भी नहीं निकाली। फिर क्यों तुम? या अल्लाह उसे सलामत रखना। मैंने मोहब्बत की, ठीक कहा था शहीद ने, मेरी मोहब्बत खोट ली है। मैंने तुम पर एतबार नहीं किया, तुम पर, और तुम हमेशा की तरह तूफान को अपने अंदर समय सब्र से काम लेती रही। अपनी मोहब्बत कुर्बान करके अपने रिश्ते बचा लिए और मैं तुम्हें अपनी इज्जत को, अपनी मोहब्बत को मान नहीं दे सका। सच तो यह होता असमीर तुम्हारे काबिल ही नहीं। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं। जो मैंने कहा उसकी माफ़ी नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। और ये भी तो हो सकता है आज़मी झूठ बोल रहा है, कोई प्रूफ नहीं है इसके पास। हो गई खुश? देख लो, तुम्हारे एक बार कहने से आप ही शाम से कमरे में नहीं है। लेकिन आदिल, जब मैंने ये बात कही थी वहां तो बच्चों या करीम भाई कोई भी नहीं था। और मैंने अम्मी से सॉरी भी किया था, माफी मांगी थी मैंने। लेकिन एक सेकेंड, ये बात बच्चों तक किसने पहुंचाई है? किसने शिकायत की उनको? ठीक कहती हैं अम्मा, गज़ भर की जुबान है तुम्हारी। आदिल, क्या आप अपनी अम्मा को छोड़ के हम दोनों के बारे में सोच सकते हैं? अब मेरा मतलब है कि हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम यूं दूसरों की बातों में आकर ना अपना रिश्ता खराब कर देंगे। बस यूसरा, बस अपनी ये जुबान दराजी अपने पास रखो। और मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरे नहीं, मेरे अपने हैं, समझी तुम? और ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इसके बाद तुमने अम्मा या मेरे सामने जुबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझी तुम? बंद करो ये अपने आंसू बहाना और जाओ जाकर दूध गर्म करो। सारा मैच खराब कर दिया मैंने। हुदा, यूसरा, आज़मी, अरे यूसरा। अब वो कहाँ? अब क्या वो अपने ससुराल से आएगी? अम्मी, आप अभी भी यूसरा को आवाज लगाती हैं? बेटा बरसों की आदत है, चंद दिनों में नहीं जाएगी। और भाई को बुलाने की आदत इतनी जल्दी कैसे चलेगी? उसे मैं नहीं, तुम आवाज देती थी। आप अच्छा, वो मुझे आपको बताना था कि मैं आप लोगों के साथ यूसरा के घर खाने पे नहीं जा सकूंगी। आप ऐसा करें कि अज़मी और सफिया खाला को ले जाए, ठीक है? अरे बेटा तुम क्यों नहीं जाओगी? आदिल की माँ पहले वरदा और आरेश के लिए 10-10 सवाल करती। मेरी बच्ची तो ब्याह कर ऐसे गई है जैसे लावारिस और लेपालक हो। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे वहाँ ना जाने की वजह आदिल और उसकी अम्मी है। वो तो बिला वजह कोई ना कोई फरमाइश कर देंगे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ब्लैकमेलिंग में कितने होशियार हैं। देखें, हम यूसरा को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। तो हुदा बेटा, हम उनसे घबरा कर यूसरा को उसी घर की रहने दें। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, आ जाऊंगी। अरे ये अज़मी कहाँ रह गया? वो देर से आएगा, आज उसका टेस्ट है 12 बजे। खुदा बेटा, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही है? रात देर पर काम कर रही हूँ। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अजमीर तुम ठीक तो हो ना? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? कैसे हुआ ये सब कुछ? अजमीर, वरदा मुसलसल तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी। अब कैसा फील कर रहे हो? वो मुझे अपने रूम में जाना। मैं तुमसे बात कर। अजमीर मेरी बात सुनो। बेटा उसकी तबीयत खराब है, चिड़चिड़ा हो रहा है वो। तो ये क्या चिड़चिड़ापन सिर्फ मेरे साथ है? बाकी सबसे तो बात कर ही रहे ना, तो मेरे साथ क्यों नहीं? और जब बात करनी ही नहीं है तो यहाँ रुकने का क्या फायदा? हमें चले जाना चाहिए। पागल हो गई हो वरदा, अभी अभी हॉस्पिटल से आए, उसकी तबीयत खराब है। मैं समझाऊंगी उसे, तुम रिलैक्स करो। आरेश बेटा समझाओ ना इसे। हाँ जी। गलत, तुम असमीर के लिए सूप बना दो, मैं जब तक उसे देखता हूँ। वरदा अभी उसे रेस्ट करने दो, वो हॉस्पिटल से आया है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं, कहीं आउटिंग पर चलते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा मूड बेहतर हो जाए। मुझे कहीं नहीं जाना है, नहीं मेरा मूड है। वरदा वाह, गुड आइडिया। खुदा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन फील्ड से कोई वास्ता नहीं है, अगर होता ना तो तुम धूम मचा देती। वैसे ये सब कुछ किताबों से तो नहीं सीखा मैंने, तजर्बे से सीखा है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोज़ाना तजर्बे की भट्टी में चलते हैं। सब ठीक है ना? तुम मुझे उदास लग रही हो। पता नहीं, मैं हूँ भी और नहीं भी। एक्चुअली मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं ये सोच रही थी कि क्या आपकी कंपनी में ना ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी वजह से मुझे लोन मिल सके? किस किस्म का लोन? लोन मुझे बेसिकली मेरे भाई के लिए चाहिए। उसने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, स्कॉलरशिप के लिए तो वो क्वालिफाई हो गया, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन की फीस नहीं है। लेकिन बाकी अखराजात बहुत सारे हैं जिसके लिए मुझे लोन की ज़रूरत है। तो क्या आपके सीईओ इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? वो तुम्हें ना नहीं कर सकते। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम इतनी जीनियस हो और तुम्हें पता है बॉस ऑलरेडी तुमसे बहुत मुतासिर हैं और हमारे सीईओ ना टैलेंट के कदरदान है। थैंक यू। ये आप एक दफा प्लान देखते हैं। हमेशा की तरह जिंदगी के अमली मैदान में भी तुमने सबको शिकस्त दे दी। अजमेर, असमीर बेटा, असमीर, लगता है वापिस को बहुत नींद आ रही थी। सॉरी बाबा, मैं फिलहाल किसी को फेस नहीं कर सकता। मैं खुद तो जान लूं कि मैं चाहता क्या। महाम से शादी करना चाहता भी हूं या नहीं। पहले मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सर, वो हुदा, आई मीन मिस हुदा, कंपनी से लोन लेना चाहते हैं अपने भाई की हायर स्टडीज के लिए। अब मेरे लिए सर क्या हुक्म है? आप उनसे कहिए कि एचआर में एप्लीकेशन सबमिट करें। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, जी सर। वो अगर पॉसिबल हो तो मैं भी लोन के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दूं। और आपको ये लोन किस लिए चाहिए? सर ऐसी कुछ चीजें वो करने। ऐसी कुछ चीजें खुदा के साथ साथ आप भी एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है, और एचआर से कहिए कि मुझे ईमेल करें। लेट्स सी क्या बनता। महाम से शादी? असमीर, कल तुम्हारी इससे शादी है और आज ये सब? मैं मेरे खुदा क्या करूं? खुदा से माफी, मेरी गलती नहीं, गुनाह। क्या मैं अब खुदा के बाद महाम को भी? असमीर, मैं खुदा को छोड़कर किसी और से? छोड़ तो तुमने इसे बहुत पहले कर दिया था। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अजमेर को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। घर में सभी लोगों से वो ठीक तरह बात करे सिवाय मेरे। क्यों? नोटिस किया था मैंने कि तुम्हें लेके उसका मूड ऑफ था। खुदा की वजह से। और मैं जानती हूँ हुदा के अलावा ना मेरी और कोई बुराई नहीं कर सकता। वरदा वैसे भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी वो असमीर का ऑफिस छोड़ चुकी है। वो ऑफिस छोड़ चुकी है ये बात तो आपको पता है, लेकिन ऑफिस छोड़कर उसने नई जॉब जहाँ ली है वो किसने लगवाई है क्या ये आपको पता है? हो सकता है कि वो जॉब भी अज़मी ने लगवाई और उसी जॉब के बहाने वो उसके साथ कांटेक्ट में भी, ये सब पता है आपको? नहीं वरदा, वरदा वरदा क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो उसके साथ कांटेक्ट में है। बस एक बार शादी हो जाने दें, उसके बाद मैं पूछूंगी उससे। तो ठीक है, पूछ लेना उससे बाद में। अभी प्लीज ये शक करना बंद करो और अपने आप को नॉर्मल करो। तुम्हारा बीपी नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। प्लीज हैव इट। अब मुझे बताएं कि क्या करना है, उसकी शॉपिंग भी नहीं की आपने। मैडम आपको ख्याल आ गया इस बात का? हाँ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हमारे पास। करते हैं ना प्लान, हो जाएगी शॉपिंग। पियो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जॉब ना छोड़ने की शर्त क्यों रखी? मुश्किल तो है, लेकिन जरा सोचो ना, जहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज ऐसे ही मिल रही हैं, तो हमें क्या मुसीबत आई है कि जॉब स्विच करें? क्या तो तुम ठीक रही हो। खैर थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी है। और तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो, और तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी पक्की और ये लोन भी पक्का। क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी हिम्मत के बारे में सोच रही हूँ कि तुमने किस कदर यकीन से फैसला लिया और फिर तुम्हारे हाथों में ये। लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी शर्त क्यों रखी? अरे लीव इट ना, जस्ट साइन इट। कल की ना कल देखी जाएगी, अभी फिलहाल जो मुसीबत है ना उससे जान छुड़ो। हाँ चाय तो बहुत मजे की है। चाय का सेशन चल रहा है। तुम्हारा इंतजार हो रहा था, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? क्यों माँ, कहाँ जाना? असमीर के घर जाना है। मेहंदी और माइयों का जो फंक्शन था वो तो अब नहीं हो रहा, लेकिन डिनर रखा है उन लोगों ने। तो मामा आप लोग जाए ना, जाना भी चाहिए। मैं वहाँ क्या करूँगा? भाई क्या हो गया है आपको? अपनी लाडली बहन से कोई मोहब्बत नहीं रही है? और क्या सारी जिंदगी आप मेरे और अजमेर के रिश्ते को इस तरह नफरत भरी निगाहों से देखेंगे? आप इतने संगदिल और बेरहम कैसे हो सकते हैं आप भाई? अपनी बहन की खुशियों के लिए आप इस तरह। सही कह रही है, कुछ दिनों में इसकी शादी होने वाली है, फिर ये घर छोड़ के चली जाएगी। दिल रख लो उसका, खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। अब खुश? चाय पियो। हुदा? जी अम्मी। क्या हुआ? ठीक है। अजमेर की शादी है। हाँ तो अच्छी बात है ना। बाबा के दोस्त के बेटे की शादी है तो आपको रस्म को जाना चाहिए। मैं गिफ्ट का लिफाफा तैयार कर दूंगी। औलाद कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि अपने दुख अपने एहसास माँ से छुपा ले। हीरे जैसी बेटी के दामन को महरूमियों से भरकर अच्छा नहीं किया तुमने। काश अजमेर एक बार देखा होता हुदा को। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी बाहया बाकिरदार बेटी की आंखों में मिल जाता। क्या मिलेगा तुम्हें मेरी हुदा को खोकर। खुदा माँ से कुछ ना छुपाओ। रो लो बेटा। अश्क में प्यार जो तूने किया सह रहा दिल मेरा, दर्द जो तूने दिया ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिसकियां कभी बेवजह नहीं आती, जो लफ्ज थे बचे छिन गए सभी मुझसे, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। तू जो ना मिला तो गम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह, रेत सा था वक्त हाथ से फिसल गया, लम्हे में बिखर गया। सजाया हर सुबह को अपनी तेरे नाम से जगाया, इश्क़ की ऐसी बातों पर किस्सों पे इरादों पर जिंदगी को अपने तेरे नाम लिख दिया। मामा बस अब बहुत हो गया, समझा ले आप अपने बेटे को। मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। बात करें उससे आप। वरदा इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इशू बना रही हो। मैं इशू बना रही हूँ? आप मेरी कोई बात सुनने और समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होती हैं? आप प्लीज बात करें उससे। तो और क्या करूँ मैं? अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी शादी हो रही है, खुदा के वास्ते शादी हो जाने दो। बिल्कुल हो रही है, और ये शादी भी मेरी वजह से हो रही है। भूल गई आप वो वक्त? कितनी मुश्किलों से मैंने आपके बेटे की जान छुड़वाई उस खुदा से, वरना आपका बेटा तो पागल हुआ था उस लड़की के लिए। क्या कुछ नहीं कहा मैंने, कितना बुरा बनवाया मैंने उसको अजमेर के सामने। किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से। इतना खिलाफ किया मैंने अजमीर को हुदा के लिए, कितना बदजन कर दिया, कितना नजरों में गिरा दिया उसको हुदा के लिए। वरदा, इतना सब कुछ तुमने मुझे नहीं बताया। मैं क्यों बताती, और इसमें ऐसी कोई बात थी भी नहीं कि मैं आपको बताती। और आपको ये लग रहा था कि वो उस आवारा शहीर के पीछे पागल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शहीर को पसंद तक नहीं करती थी। ये सब मैंने किया, ये सारा माहौल मैंने बनाया और उसको इतना गिरा दिया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। वरदा, ये क्या बकवास है? क्या ये अजमीर, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता ये कैसे सेलेक्ट हो गई और ये कैसे हो गया। काश तुम मेरी बहन ना होती, जान ले लेता तुम्हारी। दिल तो करता है सच में तुम्हें अपने हाथों से। वरदा, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? और वो सब जानते हुए भी कितनी खामोशी से अपने रास्ते पर चलती रही। कितना छोटा लग रहा है इस वक्त मुझे। वो लड़की होकर ज़र्फ में और किरदार में कितनी बुलंद निकली, और तुम असमीर आरिफ, क्या कभी इसके सामने खड़े हो सकोगे? कसूरवार सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, बल्कि तुम खुद हो। असमीर, तुमने इसका एतबार तोड़ा है, इसकी मोहब्बत पर शक किया है। किस कदर कमजोर है तुम और तुम्हारी मोहब्बत, जिसे तुम्हारे अपनों ने